जी गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं रेड स्क्वायर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे है सेंट बासिल कैथेड्रल। देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, नहायत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग है जो कि इन्होंने बनाई थी जब इन्होंने एक इस्लामिक स्टेट है काजान उसको फतह किया था, उसकी खुशी में बनाई थी। और मेरा ख्याल है इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनाने के बाद वो जो जिन लोगों ने बनाई थी आर्किटेक्ट उनको उन्होंने मार दिया था ताकि ऐसी दोबारा कोई और बिल्डिंग ना बन सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ क्रेमलिन के बाहर, यह है रशिया मॉस्को का क्रेमलिन, जहाँ पे इनका प्रेसिडेंट बैठता है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस जो हैं रशिया की पर्सनैलिटीज़ हिस्टोरिशंस उनकी जो है ना वो कब्रें हैं। मैं कोशिश करता हूँ टिकट लेकर अंदर जाऊँ और आपको दिखाऊँ। अब यह मैं क्रेमलिन के पास हूँ और मैं इधर से टिकट ढूँढ रहा हूँ, किसी से भी पूछो टिकट कहाँ से मिलती है, टिकट का किसी को पता नहीं होता। यानी हो कासा जो है ना वो टिकट को बोलते हैं, फिर किसी को कहा है कासा तो फिर लोगों को पता चलता है। अच्छा तो ये है कासा ऑफिस और टिकट ऑफिस क्रेमलिन का, देखते हैं कितने की टिकट है और हमें कितना टाइम लगता है अंदर जाने में, फिर मैं आपको बताता हूँ। आर्मोरी चैम्बर, ये तो डिफरेंट जगहों के डिफरेंट टिकट्स हैं। एडमिशन विद ऑडियो गाइड रिड्यूस फेयर, ये सारे के सारे चार्जेस हैं। ये आप देखें कि कौन से के अंदर आपने ऑप्शन के अंदर लेना। अब ये इसकी टिकट मैंने ले ली है तो इसमें ये तकरीबन एक बंदे की जो है ना 1000 रूबल्स की पड़ी है आर्मोरी चैम्बर पर जाने के लिए। उनका आर्मोरी चैम्बर में जा कर देखते हैं कि उसमें क्या है, तो बाकी सारा हम लोग विज़िट करते हैं। तो इसमें जो समय आपको दिखाता हूँ, ये टिकट है और उसके बाद ये इसके साथ उन्होंने हमें मैप दिया और इसमें हम जाके देखें, देखा ये इसमें उसने मैप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग जाएंगे फिर देखते हैं। ओके, बैक साइड पे ब्रिज बना हुआ है, अब इस ब्रिज को क्रॉस करके जो है ना हम लोग जाएंगे इधर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये पूरा म्यूज़ियम है, इधर जो है ना इधर इनका प्रेजिडेंट भी इधर ही बैठता है रशिया का।
अब ये इधर तोपे पड़ी हैं, आप ये देखें, कोई 15वीं सदी की है, कोई 16वीं सदी की है, 1672, 1671, 1666, 1630, ये 1630 की है। तो ये सारी की सारी तोपे जो है ना 300-400 साल पुरानी जो है ना वो इन्होंने बनाई। अब मैं ये क्रेमलिन के अंदर हूँ, ये देखें ये तोपें और ये उसके कुछ गोले पड़े हुए हैं, और ये इधर माहौल है, ये जो है ना रशिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस भी है, पुटन जो है ना वो इधर ही बैठता है, प्यूटन या पुटन। ये देखें ये कितने बड़े बड़े गोले हैं ये वाले, और ये पर शेर बनाया हुआ है इन्होंने। और थोड़ा सा इसकी जो है ना वो हिस्ट्री को भी देख लेते हैं कि ये कौन से सन की, ये है 1586, कितनी बड़ी तोप है, 400-500 साल पुरानी तोप है। ऐसे ही नहीं, रशिया जो है ना एक बहुत बड़ी पावर है, उसने पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जो है ना वो रकबा अपने नाम किया हुआ है। ये 1851 से 1857 और 1874 में जब ये पैलेस बना रहे थे, उसकी दीवार की फाउंडेशन के जो पत्थर है ना वो ये इधर इन्होंने इधर लगाए हुए हैं। और ये देखें इस सामने जो है ना वो मेरा ख्याल है 3 बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग, आई थिंक सो ये चर्च है, एनी हो देखते हैं अगर इसमें हम लोग जा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स हैं इधर, आप ये देखें, आई डोंट नो ये सारे म्यूजियम्स हैं या चर्च हैं।
अब मैं ये आर्मरी चैम्बर में आ गया हूँ और ये मैं आपको दिखाता हूँ ये आर्मरी चैम्बर में क्या चीज़ें हैं। बेसिकली जो है ना आर्मरी चैम्बर सबसे पुराना जो है ना इनका वो हॉल है, सबसे ज़्यादा पुरानी जो है ना वो चीज़ें पड़ी हैं, बेसिकली म्यूज़ियम है। अब कह रहे हैं 18वीं सदी का जो अलग पीटर द ग्रेट था नहीं अलेक्जेंडर, उसने जो है ना ये बनाया था। ये है किंग के कपड़े और ये उसके सर पे पहनने वाली टोपी, आप ये कह लें उसका ताज। उसके बाद ये कुछ क्वींस के प्रिंसेस के कपड़े हैं, आप देखें। ये तकरीबन 3000 साल 2000 साल पुराने जो से ना वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि रशियन किंग्स और क्वींस की जो से ना वो है। आप इनके कपड़ों का स्टाइल जो है देख सकते हैं, ये उनकी कुछ तलवारें और स्टोन्स हैं, आप देखें। ये उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, लेकिन ये रशियन लैंग्वेज में पीटरबर्ग का भी है कुछ, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। कुछ गिफ्ट्स हैं जो फिर दूसरे कंट्री के एम्बेसडर्स ने दिए हुए हैं। कितने ज़बरदस्त सूट्स हैं उनके किंग्स और क्वींस के। पूरा आर्मरी चैम्बर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरी वीडियो के अंदर कि इसमें किस किस डिज़ाइन के किस किस स्टाइल के रशियन एम्प्रर्स और एम्प्रेसेस और प्रिंसेस के जो है ना वो कपड़े हैं, कितने कितने लंबे लंबे पुराने सूट हैं और ये तकरीबन हज़ारों साल पुराने हैं। ये देखें स्टाइल, ये रशियन स्टाइल है। तो अब हम चलते हैं इस साइड पे। ये कुछ स्टिक्स और तलवारें हैं, कुछ ज्वेलरी आइटम है। ये हॉल नंबर 7 है, किंग की चेयर। और ये कुछ दूसरे किंग्स की चेयर्स भी हैं। इस पे बादशाह मलका बैठते थे। और ये हैं कुछ बादशाही ताज और तलवारें। ये
भी इनके बारे में डिटेल लिखी हुई है। कि लंबी लंबी तलवारें इनके पास और कितने और बड़े और ज़बरदस्त इंसान वो हैं। देखिए अब मैं हॉल नंबर 9 में जा रहा हूँ, इसमें इनकी बग्गियाँ हैं। सत्रह में ये उनका जो किंग है वो ये बग्गी यूज़ करता था। मतलब सवारियाँ उस वक्त की थी, उस दौर की थी। और ये वाली जो बग्गी है ये मैं आपको बताता हूँ, ये वाली यूज़ होती थी 1769 में सेंट पीटर्सबर्ग में, जॉन जो भी है इनका मुश्किल नाम है। ये देखें ये कितनी बड़ी और ज़बरदस्त सी बग्गिया। और ये बग्गी जौन सी है ये होती थी 1753 के अंदर, निकोलस पैंट नहीं ये कौन था। इसके टायरों पे देखें कितने ज़बरदस्त जौन सा ना वो डिज़ाइंस बनाए हैं। ये सारी इनकी बग्गियाँ हैं, मैं आपको डिफरेंट बग्गियों के डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ। और अब ये 1725 के अंदर जो है ना ये इनकी गाड़ी आ गई है, जो कि ये देखें इसको खींच रही है। बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन है इस म्यूज़ियम के अंदर। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये छोटी छोटी बग्गियाँ भी हैं, डोलियाँ जिसको कहते हैं, जो कि लेडीज़ को साथ बिठा कर लेके जाने के लिए होते थे। फिल्मों में देखी ऐसी चीज़ें, हकीकत में नहीं देखी। ये उस वक्त का घोड़ा है या एक नकली घोड़ा बना के उसके ऊपर ये लगाया हुआ है। घोड़े के ऊपर जो जीने डालते थे ये वो हैं। ये सारा घोड़े का सामान है, हॉर्स के ऊपर जो करते थे डिज़ाइन या जो भी उसके कपड़े रहते थे। इस इज़ाल अबाउट दैट, घोड़ों को उस वक्त कैसे सजा के रखते थे। ये ग्राउंड फ्लोर पे था, अब मैं इधर से फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा और फिर जो से दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे क्या है।
बच्चे का झूला झूला के क्या उसके बाद ये देखते हैं। चलें अब हॉल नंबर टू में चलते हैं। हॉल नंबर टू में है, ये है हॉल टू। ये सारी चीज़ें आप सारी चीज़ों की तो हिस्ट्री के बारे में हम नहीं जान सकते, लेकिन बाहर ये मैं आपको बता दूं कि ये 18वीं सदी की हैं ये सारी चीज़ें, और ये सबसे ज़्यादा पुराना जो चना इनका म्यूज़ियम है। वैसे तो इसके अंदर 3-4 म्यूज़ियम हैं, लेकिन ये सबसे बेहतर और अच्छा और सबसे महंगा और सबसे पुराना है। इसमें बेसिकली जो है ना उनके पीटर एंड अलेक्जेंडर जो है ना उसकी जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो वो लोग यूज़ करते थे। इट्स अ फुल ऑफ एंड रिच ऑफ हिस्ट्री। ये उन नाइफ्स हैं, ये बर्तन, बड़े बड़े बुक्स हैं। और अब ये मैं आ गया हूँ हॉल नंबर 3 में। उससे पहले मैं हॉल नंबर 2 में ये दिखा दूँ कुछ और बर्तन हैं। ये है हॉल 3, इसमें ज़रा बख्तरें पड़ी हुई हैं। ये ज़रा बख्तरें पहन के ये जो है ना वो लड़ाइयाँ करते थे, और इनके वो लड़ने के हथियार हैं कितनी जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की ज़रा बख्तरें आप देखें। पूरा आयरन मैन है इसको कोई कुछ क्या कह सकता है। ये उनके गन्ने और ये उनके हथियार हैं। अब ये कौन से ज़माने की हैं, 15th and 17th century में ये लोग ये यूज़ करते थे। और ये घोड़ा और घोड़े के कपड़े, ये आप देखें कि क्या माहौल बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये बच्चों के भी हैं या छोटे साइज के, पूरे के पूरे जो है ना उनके हथियार जो कि वो 17वीं और 16वीं सदी के अंदर और 15वीं सदी के अंदर जो है ना ये लोग यूज़ करते थे। ऐसे ही इतने बड़ी जो है ना ये लोग पावर बन गए और इतना ज़्यादा दुनिया का एरिया जो है ना वो कब्ज़ा कर लिया। इन्होंने बहुत सारा लड़ाइयाँ की हैं, बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और बहुत सारे जो है ना इलाकों पे कब्ज़ा किया। अब ये मैं आप देखें, रशिया अभी भी दुनिया का जो है ना सबसे बड़ा कंट्री है, तो उसके पीछे उनके हथियार हैं। और देखें किस किस तरह के इनके हथियार हैं, गन्ने, तलवारें और नेज़े और चाकू छुरियाँ तो ढालें। और ये कुछ मेरा ख्याल है कुछ इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या ये तलवारों के साथ ही शायद इसको यूज़ करते थे, आई डोंट नो। ये ज़रा बख्तरें हैं,